टाइम हो रहा है 11:30 और मैं जा रही हूँ अपने घर। ये मेरे माधव सो रहे हैं और मम्मी खड़ी है। मम्मी से मिलते हैं। चलो मम्मी ठीक है, बाय बाय। तो सब चलते हैं, बस अब हम जा रहे हैं घर। बैठ गए हम गाड़ी में। बिट्टू पीछे संभाल है, इतना बैठने की जगह नहीं थी तो मैं इजीली पीछे ही बैठती। गन्नू सिर पे खड़ा है। घर आ चुकी हूँ, सब चलते हैं ऊपर। आ गए हम अपने घर, होम स्वीट होम। ये अपने माधव को सुलाती है। मेरे माधव की मंजी है। मेरे माधव सो रहे हैं अभी इस टाइम। अपने माधव को सुला दिया है। मेरे माधव को फैन चलाती हूँ। माधव सो गए हैं। बस मैंने अभी अभी फ्री हुई हूँ बिल्कुल। सारा काम वाम मैंने निपटा लिया, जितने भी बैग वैग थे सब कुछ समेट दिया मैंने। अब आराम से चैन से सोऊंगी और मिलती हूँ आपसे सुबह। स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे। जब गन्नू स्कूल जाएगा फिर आपको दिखाती हूँ, है ना? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बड़ों को मेरी नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार। आप सब कैसे आए? होप सो सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। और अब मैं सो के उठ गई हूँ। अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच। बच्चों को जाने स्कूल, बच्चों को हम देंगे पराठा। बच्चे पराठा लेके जाएंगे आज। फटाफट बना लेती हूँ मैं। बस पराठा बन रहे हैं बच्चों के, और उसके बाद फिर बच्चों को उठाते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को उठाया नहीं। उनका पहले उनका लंच तैयार कर दूँ, उनका बैग वैग सब तैयार कर दूँ, उसके बाद बच्चों को उठाऊँगी। तो अभी बच्चों को फटाफट लंच बना के उठाती हूँ। मिट्टू का लंच बैग हो गया, चलती फटाफट उसके बैग में डालती हूँ। बच्चों के बैग पैक कर दिए हैं और फटाफट यूनिफॉर्म उठाते हैं और चलते हैं बच्चों के पास। देखो कैसे सो रहे हैं मिट्टू। गन्नू जल्दी खड़े हो, स्कूल जाना है। खड़े हो जल्दी। गड़ी बहन की सो गया वो आज। उठो जल्दी 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 उठो। गन्नू उठ गया। गन्नू फटाफट खड़ा हो बेटा, चलो 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 चलो। दोनों तरफ मेरे बैग हैं, मैं भी स्कूल चली जाती हूँ बच्चों के साथ। बच्चे चल रहे हैं दोनों दोनों दोनों। बस अभी आई भी नहीं है, बस का वेट करना पड़ेगा। मिट्टू से पूछती, मिट्टू मिट्टू कैसा लग रहा है स्कूल जाके आज? मजा आएगा। गन्नू तो खुश है। गन्नू खुश नहीं है। गन्नू तो रखो, गन्नू तो रोने वाला मुंह बना रहा है। मिट्टू को तो खुशी हो रही है स्कूल जाके। गन्नू अपने फ्रेंड से मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा तेरे को? हैं, पढ़ाई नहीं करनी तेरे को? नहीं घर बैठेगा, घर बैठ के अंडे देगा तू? कह रहा मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी, साला खेल ही खत्म, पढ़ाई ही नहीं करनी। करना क्या है तेरे को? है घर पे बैठ के टीवी देखेगा बस? है मुंह बना हुआ उसका, बढ़िया करके मुंह बना रखा है स्कूल जाने के चक्कर में। बच्चे देखो, बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट हो रही है और बच्चे वेट भी कर रहे हैं बस का। मैम को कॉल किया था तो मैम कह रही थी कि अभी 5 मिनट तो लगेंगे आने में। फर्स्ट डे है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। बस आती होगी बस। और यहाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा कीचड़। यहाँ का यही हाल है यार, कीचड़ बहुत रहता है यहाँ पर, सच में निकल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। आ रहे हैं बच्चे यार, अभी आ रहे हैं। पता है मेरे को मैम को कॉल करना है। मेरे फ़ोन में लोकेशन शेयर नहीं कर रही है मैम, पहले भी नहीं कर रही थी और आज भी नहीं आई। नहीं तो अब तक तो लोकेशन आ जाती है। हमें इसलिए जाना है, और एक तो इसका सेकंड क्लास का मैसेज आ रहा है सारा, हमने फर्स्ट कर रखा है, हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन दे देना। आज जाएंगे इसके पापा, 12 बजे ले आऊँगी ना जल्दी। आज 12 बजे ले आएगी। अरे वाह मिट्टू, देखो कितना खुश हो रही है स्कूल बस को देख के।
बेटों की स्कूल बस आ रही है। और गन्नू को देखो, गन्नू हाय। ये बच्चों की स्कूल बस आ गई। बेटों की तेज खुश हो रही है। बैग देने दे, पहले मुझे बैग देने दो, कीचड़ है इधर। इनका फोन नंबर है? हाँ नीतू मैम, नीतू मैम आप, हाँ ये ओके, बाय बाय गनु भाई, बाय शिवाय, बाय। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा है, पहले वो भैया आते थे ना। बस मैं अभी सोकर उठी थी और अब मैं लगा रही झाड़ू। ये देखिए आप, कितना गंद हो रखा है, बहुत बुरी हालत हो रही है मेरे घर की। झाड़ू लगानी है, उसके बाद लगाएंगे पोछा। डस्टिंग हो चुकी है, फिर आपसे बात करती हूँ। देखिए और पोछा भी अब आसानी से लग जाएगा क्योंकि कोई बच्चे बच्चे है नहीं, इजीली ना कोई पैर छपेंगे किसी के ना कुछ। फटाफट लगा लेती पोछा। गाइज मैं नहा चुकी हूँ और अब चलते हैं माधव के पास। माधव को अंदर लेकर आते हैं। मेरे माधव बैठे हुए हैं अंदर, उनको इधर लेकर आते हैं। आपको भी एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जब मैं नीलकंठ गई थी ना, तो वहाँ से मुझे मिले बाबा की फ़ोटो, और मैं इसको मंदिर में लगा लेती हूँ अपने। ये मुझे प्रसाद मिला था, फूल तो सिंदूर और ये प्रसाद और फूल तो पता देखो सूख चुके हैं, पर फिर भी मैं इसको अपने पास रखूँगी क्योंकि ये बाबा का प्रसाद है। पता है वो अभी माधव के ड्रेस लेकर आई थी और सेम ड्रेस हो गई, ऐसी ड्रेस मेरे पास भी है और आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने भी सेम ऐसी ड्रेस दे दी, बस कलर चेंज है यार। ये देखो सेम सेम ड्रेस हो गई माधव के पास, बस कलर चेंज है। मेरे माधव को देखो कैसे बैठे नहा कर आए हैं, तौलिया में लिपटे हुए हैं। देखिए माधव हो गए हैं तैयार और अब माधव को अंदर लेके जाती हूँ और माधव को कुछ खिलाती हूँ। बच्चों को पता है मैं बहुत मिस कर रही हूँ। वैसे मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतना खून पीते हैं मिट्ठू गन्नू, इतना परेशान करते हैं यार हद से ज़्यादा। मैं कहती थी उन्हें तो स्कूल खुल जाए, तुम जाओ स्कूल। बहुत दुखी कर रखा है मुझे, बहुत परेशान कर रखा है। और अब स्कूल गए हुए हैं तो इतना मन उदास हो रहा है कि यार, क्योंकि इतने दिन से वही ना बच्चों की पूरा दिन की जैसे आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि अब तो स्कूल जाने का टाइम होता तो पता ही होता है कि स्कूल गए हुए अभी आ जाएंगे। और बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। और अभी मुझे वैसे भी मार्केट भी जाना है सामान वामान लेने के लिए। सब्जी वब्जी तो वैसे शाम को ही लेने जाऊँगी, कोई सब्जी वब्जी नहीं पड़ी, जो पड़ा हुआ था वो हो गया ख़राब। अब सब्जी वब्जी सब कुछ लेकर आनी है और उसके बाद देखते हैं क्या करती हूँ। और अब दूध वूध भी लाना है, रात को 1 किलो ही दूध लेकर आई थी और बाकी अब दूध ख़त्म हो गया, दूध भी लेकर आना है। खाना पीने का सामान भी लेकर आना है। सोच रही हूँ अभी जाऊँ, सोच रही हूँ कि बच्चे आएंगे तब लेती हूँ। दो मन हो रहे हैं क्या करूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। मौसम भी बस ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी एकदम बारिश वाला मौसम हो जाता है जैसे अभी बरसात आएगी। पर वही वाली बात है, पता नहीं क्या हो रहा है मौसम का, तो घुटन बहुत हो रही है यार। वैसे जो है ये मई और जून वाली गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, गर्मी बेशक से बहुत होती है, पर ये जुलाई और अगस्त वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये चिपचिप वाली गर्मी होती है, इसमें बड़ी परेशानी होती है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और अब यही गर्मी आ गई है, चिपचिप चिपचिप वाली, पसीने पसीने वाली गर्मी। सुबह मेरी एक फ्रेंड भी मिली आते वक्त, करी तू आ गई, बस मैंने कहा हाँ यार बस आ गई मैं, खेरी पूरा एक महीना लगा के आई है। मैंने कहा हाँ यार पूरा महीना लगा के आई हूँ, क्या करूँ। निकल गया ऐसे ही टाइम, मम्मी आने ही नहीं दे रही थी। मम्मी कह रही थी रुक जा घर जाके क्या करेगी घर जाके, और सही भी बात है, घर आके करती है क्या, इसलिए सही है मम्मी के पास टाइम स्पेंड कर लिया। अभी मैम का कॉल आया है तो मैम कह रही है कि बस दूसरी आ रही है, क्योंकि वो बस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो बस नहीं आ रही है, तो इसलिए आप थोड़ा सा 5 मिनट पहले आ जाओ। मैंने कहा 5 मिनट क्या, मैं तो 10 मिनट 10 से 15 मिनट पहले ही आ गई हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे है तो फिर बस का कुछ पता भी नहीं होता कि जल्दी आ जाए या लेट हो जाए, हमें टाइम से पहले पहुँचना चाहिए बस वहाँ पर। इस चक्कर में मैं वेट कर रही हूँ अभी,
और दूसरी बस आएगी, देख लेते हैं कौन सी बस आएगी, और टीचर तो वही आएगी उसी में बैठ के देखते हैं करके। एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ बस, वो भी आ रही है, उसने भी अपनी बेटी को लेना है, थोड़ा बहुत सामान भी लेना है, दूध वूध, और वो भी लेती हुई चलूँगी अब, क्योंकि दूध वूध है नहीं दोबारा। अभी मैं बीच में आई नहीं थी, उतरी नहीं थी, तो मैंने कहा यार अभी अभी एक ही बारी में ही ले लूँ। आ गई है वो भी, लगता है बस आ गई है। नहीं नहीं वो नहीं है यार, ये दूसरी बस है, सेम सेम है ना। अच्छा दिल्ली पब्लिक का, ये DPS की है यार। ले देखे गन्ने की जूस की और रेडी लगी थी, वो भी साला बंद हो गई। इधर जूस वूस पीने जाना होता तो वो इतना दूर जाओ, इतना दूर, फ्रेश जूस तो वही होता है, ये जो ये आते हैं टेट्रा पैक वाले जूस अच्छे नहीं होते, बेकार होते हैं यार ये। अब वही ना सोच रही थी कि जूस वूस पी लें, साला गन्ने की जूस की चली गई है यार। और कीचड़ इतना हो रहा है, ये देखो यार कितना कीचड़ हो रहा है वहाँ पे है सामने जाके, इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और मैं अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आई हूँ, बच्चों का वेट कर रहे हैं हम, और देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है यार, कैसे भीगती भी जाऊँगी। और अभी मेरे को थोड़ा बहुत दूध वूध सामान भी लेना था, अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है अब कैसे लूँगी। और इधर पीछे दुकान बंद है, उधर जाना पड़ेगा बारिश में, और उधर कीचड़ भी इतना हो रहा है यार, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इतना बारिश का मज़ा आता है ना, उतना बुरा भी लगता है। हमारे इधर तो इतना कीचड़ हो जाता है यार, बच्चों का वेट कर रहे हैं बस, बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, आज लेट हो गए हैं बच्चे, शायद हो सकता है ट्रैफिक वगैरह भी हो सकता है यार, है ना। ये देखना जरा, ये देखिए कैसा लग रहा है। आ गई है ये दूसरी बस है, क्योंकि वो बस ख़राब हो गई थी, और हमारे बच्चे बेचारे आज आए हैं 3:30 बजे, तो 2:45 बजे बच्चे आ जाते हैं। हाय गन्नू बेटू, हाय, हेलो, बैग मुझे दे दो बेटा। हाय बिट्टू, हाय पूछू, हाय मेरे बिट्टू की हालत कितनी बुरी हो रखी है, थक गई ना आज तू बिट्टू, बहुत ज़्यादा थक गई। हाय मेरा बच्चा थक गया बस के चक्कर में बेचारे, आज इतनी लेट आए हैं बहुत ज़्यादा, वो तो आगे चल रहा ही रो। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, बच्चों का ट्यूशन टाइम हो चुका है, खड़ी है, हाय चलते हैं, 4:45 हो चुके हैं, 5 बजे का टाइम है, चलते हैं। हाँ पकड़ रही हूँ, लॉक तो कर दूँ पहले, टीवी चला रखा है, माधव देख रहे हैं टीवी आज, माधव सोए नहीं। बताए गाइस अभी क्या हुआ, अभी मैं बच्चों को छोड़ के आई तो दो लड़के बाइक पे जा रहे थे, तो वो वहाँ रुक गए, कहने लगे अरे तो वही है गन्नू है ये, तो इसकी वीडियोस हम देखते हैं मैं पहचान गया हूँ, आप यहाँ गए थे वहाँ गए थे, दो लड़के थे ऐसे कह रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच यार आप लोग वीडियो देख रहे हो, मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या होगी यार, थैंक यू सो मच। आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो इससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए यार, बहुत खुश हूँ भाई। सब मेरे को अगर कोई बीच पे रोक कर मुझे बोलता है ना कि आपकी वीडियोस देखते हैं, आपको ऐसे हमने फॉलो किया है ये और वो, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है यार, सीरियसली थैंक यू सो मच यार। आई कैंट बिलीव दिस यार कि मेरे गन्नों को भी लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा यार सीरियसली। बच्चे अब ट्यूशन से आ गए हैं, बच्चों को बस अब मैं दूध दूंगी, बच्चे दूध पिएंगे अपना आराम से बैठ के, है ना। और क्या खाना है, बच्चा बस सामने बच्चा बुला रहा है मिट्टू को, दीदी दीदी आ रही है, आजो अंदर आजो आप। अच्छा मिट्टू ये तो बता दे फ्रेंड्स को कि क्या नाम है, तूने छुट्टियों में क्या क्या मजे करे, क्या क्या मस्ती करी। मैं गई थी हरिद्वार, नीलकंठ, और जगह गई थी, और ये इसको आज स्कूल से मिला, ये दिखा रहा है आपको। बहुत ज्यादा गर्मी थी तो अब जा नहीं पाए वो जगह, कहाँ नहीं जा पाई बच्चों को, बच्चे कह रहे थे कि हमको कहना मैं मनाली साइड कहीं उधर ले जाओ, शिमला मनाली है जहाँ पे बर्फ वर्फ देखने को बच्चों को मिलती, खुश होते बच्चे, पर उसकी कुणाल की गाड़ी खराब हो गई थी और दीपू का बिजी शेड्यूल था इसलिए वो जा ही नहीं पाए, उनके चक्कर में हम भी नहीं जा पाए। पर हाँ बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए हम जल्दी ही प्लान करेंगे, है ना, जल्दी ही प्लान करेंगे, और
आपके साथ तो शेयर करना ही करना है हमने जब प्लान करेंगे तो। क्यों? हाँ। वैसे मजा आया छुट्टियों में नानी के घर? हाँ। बहुत मजा आया। हाँ। मजा आया गन्नू? हाँ। वो अपनी वॉच में इतना बिजी है कि उसको कुछ नहीं पता इस टाइम, कुछ भी नहीं। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।